दूसरा सेमीफाइनल उसके में शुरू होने जा रहा है। टॉस हो चुका है, टॉस जीता है घनाटी की टीम ने, तो डिसीजन का इंतजार था, डिसीजन आया है बैटिंग का। तो घनाटी की टीम बल्लेबाजी करने उतरेगी थोड़ी ही देर में आप सभी के सामने, क्योंकि फील्डिंग यहां पर सजती हुई दिख रही है एसआर स्पोर्ट्स शिखर की टीम की के द्वारा। थोड़ी देर में मैच शुरू होने वाला है। ओपनर बल्लेबाज पहली बॉल और जाते थे उसी बीम जो है नीचे रहा थोड़ा सा और आंखों में एक रन चुराया कार्ड और फिर से जाल के बल्ले से खेला और खिलाड़ी का तुमने नाज माना किसी थोड़ा सा रन आउट का खतरा, लेकिन एक और रन का इजाफा होगा स्कोर कार्ड में इस बार आशु सामने और गेंद गेंद का इस बार उछाल और इसी बीच फिर से जाल के बल्ले से खेला सिंगल डबल की जो है दहशत जो है शुरू से ही बनाना चाहते की जाओ उतनी थोड़ी और एक बार फिर से खिलाड़ी के हाथों में गेंद सीधा, लेकिन उसी बीच जो एक चुराने से नहीं रोके लिए था सारे हैं सिंगल डबल मात्र सहारा बनेंगे बाकी जो है। जी हाँ, एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 4 रन लॉस ऑफ टीम इंडिया, सारे मैच आसानी से जीते हैं। अरे देखिए गेंदबाजी की बात हो रही है, शुरू हो चुके हैं विजय, पहली ही गेंद में इतनी बड़ी विकेट मिस्टर मेशी की, जो कि आज खामोश रहे और वापस जाते हुए कल भी जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी इस बल्लेबाज ने और गेंदबाज की जितनी तारीफ की जाए उतनी थोड़ी बेहतरीन गेंदबाजी से जा लगी गेंद सीधी और दूसरा बड़ा विकेट और इस बार जो है नीचू को जो है वापिस जाना होगा, कोई मौका नहीं इस समय नीचू के पास, सेम वही गेंद उसी दिशा में उसी खिलाड़ी वापिस भेज दिया है कनाडी टीम का कोच और इस समय जो है हैट्रिक की तलाश में खोज में रहेंगे ठीक है गेंदबाज अपने रनमार्क पर तैयार आगे कदमों के साथ बात करेंगे और ये अटैकिंग गेंदबाजी के लिए और इस बार अंक बदले से तीसरा रन मात्र के जो एक रन चुराएंगे दूसरे के लिए जाएंगे तो जोखिम लेंगे और इस समय आवश्यकता नहीं है बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि विकेट भी रोकना अनिवार्य है इस समय और इसी बीच दूसरे से जा लगी और अपील हल्की जरूर हुई लेकिन कोई दबाव भी पार में देखने को नहीं, एक ही गेंदबाजी का विजय ने दो विकेट झटकी थी लगातार और इसी बीच फिर से अंदरूनी किनारा लिया गेंद ने बल्ले का और एक रन और चुराया दोनों बल्लेबाजों ने आंखों आंखों में इसकी दूरी की तलाश जो है अभी जारी और इसी बीच जो है आगे बढ़कर जो है कदमों के साथ ओवर 7 रन तो खत्म हो जा पहुंचा है 7 रन लॉस ऑफ टूर्नामेंट क्या कर पाएंगे अपनी टीम के लिए आज बड़ा मैच है आज करना ही होगा खुद को और इसी बीच जो है और इसी बीच एक बार फिर से क्रॉस बल्ले का साथ मिला बल्लेबाज को एक रन चुराया दूसरे के लिए खड़े हैं चुराएंगे और आसानी से पूरे करेंगे दो रन अच्छी प्रयास अच्छे वराज ये दो टीमें आपस में भिड़ रही है इस बार क्या भेदा तो है कितनी दूर भेज जाए एक रन चुराया दूसरे के लिए गए हैं आशु कैचर चौक की जरूरत है और इसी बीच शायद से तीसरे के लिए जाएंगे नहीं कोशिश भी नहीं करेंगे क्योंकि बीच अब पूरी अभी मौका बनने में टाइम लगेगा और एक बार फिर से गेंदार में बहुत आसानी से खेलेंगे फिर से जो है उसी दिशा में एक बार फिर से सिंगल के लिए इस गेंद को खेला है फिर से गेंदबाज अपने रनमार्क पर और इस बार आशु ने जो है फिर से जो है हल्के बल्ले से खेलने का प्रयास किया क्योंकि अतिरिक्त की कोई भी कोशिश नहीं कर रहे हैं आशु को भी जो है रिस्क नहीं ले जी हाँ तीन ओवर की समाप्ति पे स्कोर जब हो जाए 13 रन नौ सात थोड़ा मुश्किल और इसी बीच ये प्रहार जो है याद रहेगा क्योंकि ये रन जो है कितने देखे जाएगा बहुत अच्छी फील्डिंग बेहतरीन फील्डिंग क्षेत्ररक्षण काबिले तारीफ इसी बीच थोड़ा सा प्रयास और करना होगा बाउंड्री की तलाश जारी है पावर प्ले की समाप्ति का जो ये बड़ा विकेट हो सकता था फंबल किया और उसके बाद जो कैच को पकड़ा पल्टी बेहतरीन यह कैच यदि और कैच ड्रॉप होता तो शायद से आने वाले समय में जो कि होता है सलामी जोड़ी के रूप में आए थे आशु और मेशी दोनों बल्लेबाज फ
फुल टॉस गेंद और करारा प्रहार आते ही स्वागत करा राहुल का। गेंद को रनों की छाप लगी थी, हवाई यात्रा में भेज दिया इस बार गेंद को। फुल टॉस और 6 रन मात्र कार्य इतने आसान में सुनील राहुल इस समय दबाव में जरूर रह गए। और इस बार आगे बल्ले से गेंद मात्र सम्मान दिया, ये अच्छी सोची समझी रणनीति के तहत बल्लेबाजी बेहतरीन और कार्य बाजी कहनी पड़ेगी मेरे ख्याल से। तो छोटा गेंद हवा में जरूर बनेगा जी नहीं बनेगा, ड्रॉप हो जाएगा और एक रन चुना देने के लिए जाएंगे जाएंगे भी और पकड़ने के लिए अपील हल्की जरूर करी है। इसी के साथ जो है रन आउट करा दिया गया, इस बार दीपक को वापिस जाना होगा। लगने वाला एक और बड़ा झटका सुनील चांदे और सामना करेंगे कोलू का। और इसी बीच जो है हवाओं में बदलाव, गेंद जो और वापिस जाना होगा इस बार टीम को। बिना खाता के अपना टीम बेहतरीन गेंदबाजी6 विकेटों के नुकसान छठा ओवर लेकर छठा ओवर प्राप्ति पे विजय एक बार फिर से गेंदबाजी का जिम्मा संभाले काबिले तारीफ गेंदबाज। और इसमें हवा में गेंद फिर मौजूद लेकिन थोड़ी सी दूर होगी गेंद के लिए, हवा का खतरा भी था लेकिन शायद से होंगे अंदाजा नहीं। और और ये बड़ी सफलता, वापिस जाना होगा इस बार सुनील को। एक बड़ी विकेट इस बार विजय के जो है हाथ में लगी है, मुंह शेर के आने वाले समय के लिए बेहतरीन ये टीम टूर्नामेंट में डुंगर के मैदान में ऐसा स्पोर्ट चिक्कर वर्सेस कनाटी के बीच। और इस बार जो हाथ ही प्रहार करना चाह रहे लेकिन गेंद की जो है कति से भी हुए स्लो बॉल का इस्तेमाल इस बार जो है बल्लेबाज ने किया गेंदबाज ने किया क्षमा चाहूंगा। कुल 27 रन 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचे 27 रन लॉस ऑफ 7 विकेट। अब इस इनिंग का जो है श्रेय जाता है पूरी तरह से पकड़ बनाई अब तक। और इसी बीच एक फाइट का इशारा देंगे पार अतिरिक्त के रूप में एक और रन का इजाफा पावर करा रखना होगा अभी बल्लेबाजों में। और इस बार जो पूरी तरह से छोटा गेंद आप पड़ने में थोड़े असफल जो होता है लेकिन दूसरे के लिए जाएंगे जो कि लेंगे जो कि इस कदर लेंगे कि विकेट का वहां बैठेंगे वापिस जाना होगा। आपसी जो है तालमेल धन्यवाद। और इस बार जो है तोशी को चलते किया पूरा पल्ला क्रॉस किया कदमों का तालमेल बैठा समय भी समाप्त हो चुका है आपका। और इस बार अगला खेल और खिलाड़ी सामने मौजूद है लेकिन कोई भी जोखिम नहीं। और इस बार जब क्रॉस बल्ले के लिए प्रयास किया लेकिन गेंद बल्ले का पूर्ण केंद्र अपने निर्माण पते आसान रहेंगे अमन। और सम्मान दिया ये बेहतर रणनीति विकेट नहीं गवाएंगे अपना ऐसे स्कोर पे 40 या 50 का आंकड़ा छुपाएगा 40 का। इस बार लंबा गेंद जरूर था एक रन के लिए गेंद दिया एक रन चुराएंगे या चुराएंगे और एक रन को आसानी से पूरा करेंगे। इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 30 रन जी हाँ 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 30 रन 9 विकेटों के नुकसान पर 9 विकेट का साधन अब शुरुआत करेंगे। और
हॉकी खेला है, फील्डर कोई मौजूद नहीं है, नोबेल लाइन में गेंद गिरी है, एक रन छुड़ाएंगे दूसरे के लिए नहीं जाना चाहेंगे, जाएंगे तो और इस बार जो है घुमाया पल्ला लेकिन गेंद बल्ले का और इस बार खेला है गैप में लेकिन फील्डर नोबेल लाइन में मौजूद रहेंगे, एक रन छुड़ाएंगे और एक ही रन से संतुष्ट करना होगा अगर दूसरे खेल जाएंगे तो जो घूमने से थे इस समय तो एक रन का सहारा है क्योंकि कहां भी जा पाएंगे दुबले चौतिके के सहारा इसमें फील्डर के हाथों में गेंद एक और रन का इजाफा होगा उसको कुमार में सफर नवा तक लेके जाएगा कराटी की टीम को इस बार जो है खेला है हवाई यात्रा में भेजा तो है लेकिन ज्यादा दो देखने में मौजूद है एक रन चुनाया दूसरे के लिए गए हैं दो रन आसानी से पूरे किए तीसरे के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे और ये क्या है वो थ्रो हो गया तीन रन मिल गए चौथे के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे चौथे के लिए जाएंगे भी और पूरा नहीं कर पाएंगे चौथा रन तीन रन जो है पूरे कर पाएंगे और इसी के साथ आठ ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है और जीत के लिए जो लक्ष्य रखा है 37 रनों का 48 गेंदे 37 रनों का लक्ष्य इस समय ऐसा स्वागत करता हूँ आपका इस दूसरी इनिंग में जिसमें कि लक्ष्य रखा है इस समय चिकर के सामने 37 रनों का छोटा लक्ष्य है लेकिन आपको मैं पहले बता दूं कि जितने भी मैच रहे इस मैदान में सारे फंसे नजर आए हैं कल भी एक लो स्कोरिंग मैच था विक्की और गेंदबाज है सुनील अपने रन मार्क पर तैयार और सामना करेंगे विक्की पहली गेंद का फुल टॉस की शुरुआत ही कुछ गलत हुई और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है और थोड़ा सा ढीला जाएंगे नहीं दूसरे रन के लिए जाएंगे तो जोखिम मोलेंगे मात्र एक मतलब फिर से इस बार साथ रहेंगे रोहित और सुनील अपने रन मार्क पर तैयार और इसी बीच लंबा गेंद का पड़ा भी आसानी से उसमें जाना भी फिर सामने मौजूद है एक रन चुका दूसरे के लिए जाएंगे तो जोखिम लेंगे और इस समय जोखिम की जो है और इस बार जो है हवाई यात्रा पे गेंद कितनी दूर जितनी दूर जाइए हवाई यात्रा पे 6 रनों के लिए इस बार चढ़ दिया और इस बार सम्मान दिया मातर गेंद को गैप में खेलने का प्रयास किया एक रन चुराया फंबल हुआ गया दूसरे के लिए जाएंगे जी नहीं और इसी के साथ जो एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 10 रन हल्के कदमों के साथ शुरुआत करेंगे और इसी बीच काटे इस मैदान में और इस बार फ्लिक कर है काफी सार की स्कोर इस बार एक रन चुराया दूसरे के लिए गए जी हाँ दूसरा रन भी चुराया और बेहतरीन रनिंग इस समय मिडविकेट विकेट देखने को मिली दोनों बल्लेबाजों के द्वारा जी एक अटले नहीं रहे दूसरे पे जो ट्रांसफर करते लगातार नजर आ रहे हैं बल्लेबाज और इस बार शानदार फ्लिक करा मात्र गेंद को और भेज दिया सीमा पार 6 रनों के लिए लगने वाला ये लंबा छक्का इस बार छक्के ने रखे राहुल की आदेश और इस बार फिर से जो है हल्का फ्लिक कराएंगे इसको सामने फिर दोनों चुपके एक रन चुराया दूसरे के लिए जाएंगे बीच और पूरा भी कर लेंगे फंबल हुआ गेंद दो रन आंखों में चुका और इस बार हवा में गेंद फिर मौजूद लेकिन थोड़े दूर है नहीं पकड़ पाएंगे मुश्किल रहेगा ये सफर और ये जीवनदान भी मिला इसी के साथ बल्लेबाज हम नहीं पूछे थे इस बार गेंद नीचा राग कोई भी बाने का और इस बार फिर से जो है सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास करा फील्डर सामने मौजूद है लेकिन उसी बीच जो है एक रन चुराने से नहीं रोक पाएंगे दोनों लेकिन वो समय से थोड़ी देर हो गई और इस बार फिर से जो है काबिले तारीफ इस पे फील्डर मौजूद है लेकिन मात्र दर्शक पद पर दोनों रह जाए जी हाँ जैसा आपने कहा कि दर्शक पद पर रह जाएंगे गेंद सीधा पार और लेके जाएंगे पूरे 4 मैदान का
और आज के बदले खेला मात्र कटकरा गेंद को फिर जितने में आता उतने में एक और रन जोड़ा अपनी टीम के जितने मैच में दमदील करते हैं साथ पूर्ण चिकन ने स्लो बॉलिंग को फिर से शाही सिस्टम और एक बार फिर से फील्डर साहब ने पार इस बार क्षेत्र रक्षण कोई भी मौका नहीं तीन ओवर की समाप्ति पे स्कोर अब हो गया 27 रन 27 रन एक विकेट के नुकसान पर और और एक बार फ्लिक करवाकर गेंद को एक रन चुराने से के लिए जाएंगे या जाएंगे तो जो भी बोलेंगे और अपनी आवश्यकता नहीं है जो भी दे रहे बेहतरीन तक प्रदर्शन छोटा गेंद खिलाड़ी पीछे मौजूद है ज्यादा दूर भेज नहीं पाएंगे इनको लेकिन एक रन चुराया दूसरे के लिए जाएंगे नहीं आसानी से जो एक रन लेना पसंद करेंगे और इस बार उठाने का सात रन दूर मात्र अपनी जीत से ऐसा स्कोर चिक्का फिर से जुड़ा के बल्ले से खेला एक रन चुराया दूसरे के लिए जाएंगे जी नहीं जाएंगे और इस बार गेंद हवा में फील्डर स्वयं मौजूद है सोनू आसान सा कैच सामना करेंगे सतर्की गेंदबाजी का और इसी बीच जो एक बार फिर से जाएंगे सीमा रेखा की ओर लेकिन खिलाड़ी मौजूद इसी के साथ स्कोर आपको चाहे 32 रन जीत के लिए मात्र 5 रन दूर अपनी टीम तभी मैच बहुत दूर चला जाएगा आउट होकर वापस जा रहे हैं अरुण विकेट कीपर को कैच थमा बैठे बहुत ही धीमा कर दिया गेम को अभी आसानी से जीत रहे हैं कल भाई सुंदर कुछ 80-90 रन दिए और मैच विनिंग शॉट और इसी के साथ जो है जीत हासिल की ऐसा स्पोर्ट्स चिक्को की टीम ने तो जी हां आज का दिन का जो फाइनल मुकाबला खेला जाएगा भराड़ा वर्सेस ऐसा स्पोर्ट्स चिक्को के बीच 8 विकेट जीते 7 विकेटों से जो है इस मैच में जीत हासिल की ऐसा स्पोर्ट्स चिक्को ने